G20 की जो बैठक है वो इस समय चल रही है भारत मंडपम में, तमाम विश्व नेता वहां पर मौजूद है। और ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा। ये बेहद ही खास तस्वीर आज आपको हम दिखा रहे हैं इस समय टीवी स्क्रीन है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा को आप देख सकते हैं, हाथ में हाथ डालकर आप एक तरीके से, जिसे कहा जाए कि एक ताकत को दिखाया जा रहा है कि जो दुनिया है, G20 के जो देश है, 2/3 आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनकी भी ताकत है। जीएस मुनी साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। एसजी मुनी साहब, माफ कीजिए मुनी साहब, ये तस्वीर जो सामने आ रही है उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा है, बहुत ताकतवर ये तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इस तस्वीर के मायने निकालना चाहूं तो इसको मैं कैसे समझ सकती हूँ? इसको समझिए आप इस तरह से कि इसमें लैटिन अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट और एशिया का पूरा कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से सहयोग कर रहा है और उस सहयोग की तस्दीक कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक भी और अमेरिका भी। अगर आप इस ढंग से देखेंगे तो लगता है कि G20 से हमारा जो नेतृत्व है भारत का, वो उसको एक नया प्रारूप देने में सफल हो पाएगा, जहां सभी डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया, उसके सभी डेवलपिंग कंट्रीज आपस में एक साथ है। और जो पहले नॉर्थ साउथ का विरोध हो रहा था, वैसे अभी भी है वास्तव में, नॉर्थ साउथ में आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, लेकिन इस तस्वीर से ये लगता है कि नॉर्थ भी साउथ को सपोर्ट करने के लिए राजी है। बिल्कुल, और मैं अब अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहती हूं कि ब्रिटेन और भारत के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत है वो अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के नेताओं के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला सिल्वा और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा नजर आ रहे हैं। लगातार ये तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बस सबसे थोड़ी देर पहले G20 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी भारत पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से वो सीधे भारत मंडपम पहुंचे, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है, दोपहर के 1 बजे का समय हम मुकरर हुआ है। हमारे सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है, तो ये 3 तस्वीरें देखिए, ये G20 की सफलता की कहानी बयान करती हुई ये कहानी है, ये तस्वीरें हैं। इस बार भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है।